नमस्कार, मैं हूं ममता तिवारी और मॉर्निंग प्राइम टाइम के सबसे पसंदीदा शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे ईरान और इजराइल युद्ध से जुड़ी हर अपडेट के बारे में। तो ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ कई हमले किए हैं और दावा किया है कि ये तो अभी ट्रेलर है, असली युद्ध अभी बाकी है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या अब होगा परमाणु युद्ध? तो इजराइल और ईरान जंग से पूरी दुनिया खौफ में आ चुकी है। ईरान ने 5 घंटे तक इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरानी जनरलों का दावा है कि ये तो अभी ट्रेलर है, युद्ध अभी बाकी है। और इस बीच कुछ रिपोर्ट अब दावा किया जाने लगा है कि अगर ईरान पर इजराइल और अमेरिका मिलकर हमला करते हैं तो ऐसी स्थिति में रूस ईरान के साथ युद्ध में कूद पड़ेगा। देखिए ये रिपोर्ट। से युद्ध, ईरान के साथ रूस। अगर इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिम देश ये सोच रहे हैं कि हम ईरान को अगले 48 घंटे में तबाह कर देंगे तो ये गलतफहमी वो जितनी जल्दी दूर कर सकते हैं कर लें, क्योंकि कुछ खुफिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन का रूस ईरान का जंग में साथ देने जा रहा है। हुर्रा! दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करते हैं तो रूस की घातक मिसाइलें, ड्रोन और लड़ाकू जहाज ईरान को बचाने के लिए जंग में सीधे कूद पड़ेंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान को खुफिया तरीके से पूरा वॉर प्लान पहुंचा दिया है। पश्चिम मीडिया के जानकारों के मुताबिक इसराइल पर ईरान का सीधा हमला साबित करता है कि ईरान को रूस से हमले की हरी झंडी पहले ही मिल गई थी। I looked at last night. What it tells me is that we can make good on our commitment to defend Israel. It tells me that Israel does have superior military capability. Just think about the hardware that Iran threw into the sky and how little damage that caused. I mean, that's a real testament to how strong the IDF is. It also tells me, and it should tell everybody else, that Israel's not alone. अब सवाल उठता है कि रूस ईरान को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल और नाटो देशों से जंग क्यों करने पर उतारू है? क्या ईरान को बचाना रूस का मिशन बन चुका है? जरा देखिए क्यों रूस ईरान का साथ जंग में देने जा रहा है। 2 साल से ज्यादा समय से चल रही रूस यूक्रेन जंग में ईरान जमकर रूस का साथ दे रहा है, इसीलिए अब रूस ईरान का जंग में साथ देने के लिए तैयार हो चुका है। ईरान यूक्रेन युद्ध में रूस को हजारों आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136, मुहासिर 10 जैसे ड्रोन दे रहा है, जिसके जरिए रूस यूक्रेन को जंग में रौंद चुका है। यहां तक कि खुफिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने रूस को यूक्रेन जंग में अपनी घातक मिसाइल, 3 लाख तोप के गोले, 10 करोड़ गोलियां तक दी हैं और उसके बाद भी हजारों रॉकेट, जंग का सामान रूस अभी भी भेज रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि पुतिन ईरान के एहसान को दिल से मानते हैं और ईरान से वफादारी दिखाते हुए अब जंग में ईरान का साथ देने जा रहे हैं। रूस के दम से ही ईरान ने इजराइल पर घातक हमले किए हैं और 330 मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। برادران و دوستانمان در منطقه که ایالات متحده آمریکا در آن کشورها دارای پایگاه نظامی است، اعلام کردیم که
هدف ما در دفاع مشروع صرفاً تنبیه رژیم اسرائیل هست. ایران کے ساتھ مسلم وار، اسرائیل کے ساتھ ناٹو. اسرائیل اور ایران کی جنگ میں دنیا تیزی سے بڑھ رہی ہے. جہاں روس ایران کے ساتھ کھڑا ہے تو وہیں امریکہ، برٹن، فرانس سمیت تمام پشچمی اور ناٹو دیش اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. اب ذرا آپ یہ بھی جان لیجئے کہ ایران کے ساتھ مسلم ورلڈ کے کون کون سے دیش کھڑے ہیں اور کون سے مسلم دیشوں نے ایران کے ساتھ غداری کی ہے. پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ جب ایران آدھی رات میں اسرائیل پر بھیانک حملے کر رہا تھا تو اس وقت عرب دیش جارڈن نے ایران کے گھاتک حملوں کو ناکام کرنے کے لیے کیا کیا. ٹائمز آف اسرائیل نے اسرائیلی سینا کے سوتروں کے حوالے سے بتایا ہے کہ جارڈن کے جیٹ ویمانوں نے اتری اور مدھ جارڈن سے ہو کر اسرائیل کی اور جانے والے درجنوں ایرانی ڈرون کو مار گرایا ہے. جارڈن کی طرف سے اسرائیل کی مدد کے لیے اپنے جیٹ بھیجنا ایک بڑا قدم ہے. اسرائیلی سوتروں کا کہنا ہے کہ ایران کے ڈرون جارڈن گھاٹی اور ہوا میں اتارے گئے تھے اور یروشلم کی اور جا رہے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی جارڈن کے فائٹر جیٹس نے ایران کے ڈرون کو مار گرایا. ایران جارڈن کی غداری سے بے حد ناراض ہے. اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے ایران کی IRGC نے جارڈن کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ اسرائیل کی اور مدد کرتا ہے تو ایران کا اگلا ٹارگٹ جارڈن ہوگا. ایک پشچمی نیوز ایجنسی نے ایران کے سوتروں کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے ایران کی سینا زائونی شاسن کے خلاف حملے کے دوران جارڈن کی گتیویدھیوں کی ساودھانی پوروک نگرانی کر رہی ہے، اور اگر جارڈن ہستکشیپ کرتا ہے تو ایران کا اگلا ٹارگٹ جارڈن ہوگا. اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد سے پورے ایران میں جشن منایا جا رہا ہے. ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے کئی گھنٹے تک اسرائیل پر حملے کیے، لیکن وہیں اسرائیل اور امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے اسرائیل کے 300 سے زیادہ ڈرون اور میسائلوں کو مار گرایا ہے. ذرا دیکھیے ایران کے کتنے ڈرون اور میسائلیں تباہ ہوئی ہیں. ایران نے اسرائیل پر قریب 5 گھنٹے تک حملہ کیا. اسرائیل پر ایران کے حملے کے دوران امریکی سینا نے 70 سے زیادہ ڈرون اور کم سے کم 3 بیلسٹک میسائلوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے. اسرائیلی سینا کا کہنا ہے کہ اس نے ایران دوارا داغے گئے قریب 99% ڈرون اور میسائل کو مار گرایا ہے. دعوے کے مطابق ایران کے 170 میسائل اور ڈرون کو اسرائیل کے باہر ہی مار دیا گیا، جبکہ ایران کی 30 کروز میسائلیں ایک بھی اسرائیلی ایئر سپیس میں نہیں گھس پائیں. 30 میں سے 25 میسائلیں تباہ کر دی گئیں. ایران کی 120 بیلسٹک میسائلیں داغی گئیں جنہیں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کی کچھ بیلسٹک میسائلوں نے اسرائیل کے نیواتم ایئر بیس میں گر گئی تھی. اسرائیلی سینا نے مانا ہے کہ اسے معمولی نقصان ہوا ہے. کل ملا کر ایران کے 320 ڈرون اور میسائلیں تباہ ہوئی. המערכה הזאת עדיין לא הסתיימה. אנחנו צריכים להיות ערניים וקשובים להנחיות צה"ל, להוראות פיקוד העורף ולהיערך לכל תרחיש. יחד עם זה, את הגל המשמעותי ביותר, הראשון, בלמנו ועשינו את זה בהצלחה גדולה. ایران نے دکھایا ٹریلر، یدھ تو ابھی باقی ہے. پچھلے کچھ گھنٹوں میں جو حالات پشچم ایشیا میں جنگ سے بنے ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ، برٹن جنگ میں سیدھے طور پر کود پڑے ہیں. اسرائیل بھی ایران پر جوابی حملے کی تیاری کر رہا ہے. اسرائیل کے پی ایم بنیامین نیتنیاہو فائٹر جیٹ F-15 بیس کا دورہ کر چکے ہیں. نیتنیاہو بھلے ہی ایران کو تباہی کی دھمکیاں دیں، لیکن جو حالات اس وقت چل رہے ہیں وہ بے حد خطرناک ہیں. ذرا دیکھیے ایران کیوں کہہ رہا ہے، ابھی تو ٹریلر دیکھا ہے، یدھ تو ہونا ابھی باقی ہے. ایران کو اپنی میسائل اور ڈرون طاقت پر زبردست بھروسہ ہے، اور اسی لیے وہ امریکہ سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے اور اسرائیل کے بیچ چل رہی جنگ سے دور ہو جاؤ. ذرا دیکھیے کیسی ہے ایران کی ہوائی حملے کی طاقت. ایران کے پاس 9 ایسی بیلسٹک میسائلز ہیں جو ہزاروں کلومیٹر دور اسرائیل پر حملہ بول سکتی ہیں. ان میسائل میں اگر سب سے خطرناک میسائل کی بات کی جائے تو وہ ہے سیج. یہ میسائل 17,000 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی تیزی سے 2500 کلومیٹر دور حملہ کر سکتی ہے، تو وہیں خیبر میسائل کی مارک کھمتا 2,000 کلومیٹر ہے. اس کے ساتھ ہی حج قاسم کی اٹیکنگ رینج 1400 کلومیٹر ہے. ایران کے پاس کروز میسائل بھی ہے جو نیوکلیئر پاور سے لیس ہے. اس کی رینج 3,000 کلومیٹر ہے. ایران نے اپنے ڈرون کے ذخیرے میں بھی خاص کام کیا ہے.
पूरे मिडल ईस्ट क्षेत्र की बात की जाए तो ईरान आत्मघाती ड्रोन का सबसे बड़ा निर्माता है। ईरान के पास मुहाज़े 10 नाम का घातक ड्रोन भी है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, तो वहीं मुहाज़े 10 अपने साथ 300 किलोग्राम का विस्फोटक भी ले जा सकता है। אמש איראן פתחה במתקפה נגד ישראל ושיגרה יותר מ-300 איומים מסוגים שונים. האיום האיראני פגש את העליונות האווירית והטכנולוגית של צה"ל בשילוב קואליציה לוחמת חזקה שיחד ירתו את רובם המכריע של האיומים. अब ऐसे हालात में अगर ईरान रूस के साथ सीधे जंग में कूद पड़ता है तो फिर अमेरिका ब्रिटेन मिलकर भी इसराइल को ईरान से बचा नहीं पाएंगे। अब देखना होगा कि ईरान का अगला कदम क्या होगा और इसराइल ईरान के हमले का बदला कैसे लेता है, क्योंकि रूस अब ईरान के साथ चट्टान बनकर खड़ा हो गया है। हुर्रा! अभी ईरान के हमले के कुछ ही घंटे गुजरे हैं और उधर इजराइल ने इंतकाम लेना शुरू कर दिया है। IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान में हिज़्बुल्लाह के हथियार डिपो को बारूदी धमाके से नेस्तनाबूद कर दिया है। इजराइल ने पूरी फोर्स के साथ ईरान और उसका साथ दे रहे दुश्मनों को सबक सिखाने का ऐलान भी किया है और इजराइल के रक्षा मंत्री ने अपने बहुत बड़े बयान में कहा है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए रिपोर्ट। अड़तालीस घंटे यही डेडलाइन है युद्ध की, आर पार के युद्ध की। इसराइल अपने दुश्मनों को वक्त बताकर मारता है, संभलने का मौका भी नहीं देता है। हमास के हमले के महज 72 घंटे बाद इसराइल ने ऑपरेशन शुरू कर दिया था, लेकिन ईरान के पास उतना टाइम भी नहीं है। रेडी हो गई मिसाइल, 48 घंटे में बदला लेगा इसराइल। तेहरान में जेरिको का धमाका, ईरान का बचना नामुमकिन। मोसाद का ऑपरेशन घर में घुसकर बदला, 48 घंटे बाद खाड़ी में एटमी यलगार। ईरान ने बारूदी ट्रेलर दिखाया है, इसराइल इंतकाम की पूरी पिक्चर के लिए तैयार है। ईरान ने ड्रोन और मिसाइल की पावर दिखाई है, इसराइल एयर पावर का मोस्ट शॉकिंग शो दिखाएगा। ईरान ने इसराइल पर हमले की हिमाकत दिखाई है, इसराइल इंतकाम का इतिहास दोहराएगा। ये युद्ध अब किसी के रोके नहीं रोक सकता, ये बारूदी विध्वंस अब किसी के टाले नहीं टल सकता, क्योंकि ये युद्ध इसराइल के वजूद का है, क्योंकि ये युद्ध एक ऐसे मुल्क के खिलाफ है जिसे इसराइल का इस दुनिया में होना ही बर्दाश्त नहीं। सही समझ रहे हैं आप, ईरान को इस धरती पर इसराइल की मौजूदगी खटकती है, इसलिए ये जंग आर पार के मोड़ तक जाएगी। इसराइल इसके लिए तैयार बैठा था, मौका ईरान ने दे दिया है। 300 विस्फोटक हथियारों से हमला कर ईरान ने इसराइल को युद्ध के मैदान में बुलाया है। दुनिया जानती है कि जब भी इसराइल जंग शुरू करता है तो खत्म अपनी शर्तों पर करता है। इसराइल क्या क्या करने जा रहा है, तेहरान में टेरर क्यों है, ईरान इसराइल टकराव की लास्ट स्टेज क्या होगी, इसकी अटकलों ने दुनिया भर को थर्रा दिया है। इसराइल के हथियारों की काट किसी के पास नहीं है, इसराइल जैसे सोल्जर बहुत कम सेनाओं के पास है। इसराइल के सबसे खूंखार और शातिर खुफिया कमांडो मोसाद भी जंग के लिए तैयार है। इसराइल फुल फोर्स में अटैक मोड में आने वाला है। ईरान के पास डेडलाइन भी महज 48 घंटे की है, इस टाइमलाइन के बाद क्या हो सकता है, इसे समझना है तो पहले ये जानिए कि इसराइल के लिए ईरान को निशाना बनाना कोई आसान काम नहीं। ऐसे हालात में इसराइल ईरान को सबक कैसे सिखाएगा, ये युद्ध हुआ तो लड़ा कैसे जाएगा, जवाब सीधा है, युद्ध तकनीक का होगा। लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की टक्कर होगी, युद्ध के नतीजे आसमानी लड़ाके ही तय करेंगे।
दुनिया का सबसे घातक जंगी जेट माना जाने वाला ये मेड इन अमेरिका F-35 इजराइल के पास है। F-35 स्टेल्थ फाइटर की खासियतें देखिए। F-35 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ उड़ान भर सकता है। F-35 वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग में सक्षम। F-35 कोई भी रेडार इसे नहीं पकड़ सकता। F-35 किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। F-35 जमीन हवा में टारगेट को नष्ट करने में सक्षम। F-35 910 किलो के 6 बम लेकर उड़ सकता है। F-35 का बेड़ा ईरानी तबाही का सबब बन सकता है। वहीं ईरान जिस मिसाइल पावर की धौंस जमाता है उसके मामले में इजराइल भारी पड़ता है। इजराइल की एक मिसाइल ही ईरान में खूनी कोहराम मचा सकती है। नाम है जेरिको मिसाइल। इजराइल ने इस मिसाइल पर 1960 के दशक में काम शुरू कर दिया था। मिसाइल का नाम वेस्ट बैंक में मौजूद बाइबल शहर के नाम पर रखा गया था। जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल शुरू में फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी दसॉल्ट के सहयोग से बन रही थी। बाद में इजराइल ने इसे अपने दम पर तैयार किया। मौजूदा समय में जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल के 3 सिस्टम इजराइल के पास हैं। इसकी क्षमता 4800 से 6500 किलोमीटर तक है। पूरा ईरान इजराइल की एक मिसाइल की जद में है, यानी ट्रिगर तेल अवीव में दबेगा और बारूदी जलजला ईरान में उठेगा। अपनी धरती से ईरान को दहलाने तक ही इजराइल नहीं रुकेगा। ईरान में घुसकर भी इजराइल सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देगा। हालांकि इसका स्टाइल अलग हो सकता है, जैसे कि इजराइल ने ऑपरेशन ओपेरा चलाकर इराक के परमाणु रिएक्टर पर हवाई हमला कर उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इराक के ओसी राक परमाणु रिएक्टर खत्म करने के लिए इजराइल ने F-16 जेट उड़ाए थे। ऐसे इजराइल के सबसे घातक लड़ाके हैं मोसाद एजेंट, जिनका दुनिया भर में डंका बजता है। मोसाद एजेंट्स ने ये ऑपरेशन अंजाम दिया था। मोसाद एजेंट के ऑपरेशन से ईरान किस कदर खौफ खाता है, इसकी एक मिसाल 2018 में भी दिखी थी, जब तेहरान में घुसकर मोसाद एजेंट ने 32 अलमारियों में छिपाकर रखे गए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट हासिल कर लिए थे। ईरान के इतिहास में इसे अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जाता है। मोसाद एजेंट अपने दुश्मन के खात्मे तक उसका पीछा करते हैं। दुश्मन को तब तक मारते हैं जब तक वो दम नहीं तोड़ देता। वॉर फ्रंट पर मोसाद एजेंट ईरान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रहे हैं। इसके साथ दोनों देशों में फुल फ्लैश्ड वॉर की नौबत आने पर कई और फर्क साफ। जैसे ईरान के पास भले ही पूरे मिडल ईस्ट में सबसे बड़ी सेना है और एयर बैटल के तमाम हथियार डेवलप कर लिए गए हैं, लेकिन इजराइल के मुकाबले उसके सैनिक ट्रेंड नहीं है। ईरानी सेना की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो उनकी एयरफोर्स है। ईरान की एयरफोर्स इजराइल के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। ईरान के ज्यादातर एयरक्राफ्ट 1941 से 1979 के बीच के हैं। कई विमान तो अब ढंग से चलते भी नहीं, क्योंकि उनके स्पेयर पार्ट्स ही नहीं मिलते। ईरान ने आखिरी बार 1990 के दशक में रूस से कुछ एयरक्राफ्ट खरीदे थे, लेकिन वो भी पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है। इसी तरह ईरान के टैंक से लेकर बख्तरबंद गाड़ियां भी बहुत पुरानी हो चुकी हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रोल है। इजराइल इस मामले में ईरान से कोसों आगे है। ईरान के पास भले ही नंबर हो, लेकिन टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस के फ्रंट पर इजराइल दुनिया में सबसे आगे है। लेकिन ईरान को बेहद कमजोर समझना भी इजराइल की बड़ी भूल साबित हो सकती है। इसीलिए पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका और इजराइल, इन्हें कभी खत्म नहीं कर पाए। हालांकि पश्चिमी देशों ने ईरान पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसी वजह से ईरान टैंक और फाइटर जेट को डेवलप करने में खास सफल नहीं हो पाया। लेकिन ईरान की मिसाइल पावर बेजोड़ है। लेकिन इजराइल जब किसी दुश्मन पर अटैक करता है तो हर हथियार का इस्तेमाल करता है। हर हथियार मतलब हर हथियार। मुमकिन है कि ईरान से आर पार की नौबत आए तो इजराइल एटमी हथियारों के धमाके भी शुरू कर दे, क्योंकि ईरान से युद्ध में जीत पारंपरिक हथियारों के दम से हासिल होती नहीं दिख रही। कट्टर दुश्मन दोनों मुल्क आखिरी सांस तक जंग जीतने की कोशिश करेंगे।
ऐसे में किसी भी वक्त परमाणु हथियारों का ये बटन दब सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये विश्व युद्ध का आगाज होगा, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम वर्ल्ड की ताकत है तो दूसरी तरफ नेटो जैसे संगठन का पावर है। जाहिर है न्यूक्लियर युद्ध के खतरे को अब टाला नहीं जा सकता, क्योंकि इसराइल इंतकाम लेने के लिए कुख्यात है। इसराइल जब भी बदला लेता है तो एक नया इतिहास रचता है। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।